So now it's perfect to eat. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चिकन को रोस्ट करने जा रही हूँ, माइक्रोवेव ग्रिल मोड में करने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने चिकन का होल पीस लिया है, होल लेग जो बोलते हैं ना, और उसमें जस्ट नाइफ से मैंने इसको कट किया है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि यहाँ पे जो बोन होता है ना, इस जगह पे कट करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा जस्ट मार्क लगा दीजिए नाइफ का, तो वो फिर क्या है ना, वो बहुत अच्छे से हो जाता है। और फिर जिंजर गार्लिक और लाल मिर्च का पेस्ट बना के रखी हूँ मैं। थोड़ा मस्टर्ड ऑयल चाहिए, चाट मसाला चाहिए, और नींबू चाहिए, और कर्ड एंड ब्लैक पेपर। सो अभी एक बाउल में सभी को मिक्स करेंगे। ये चिकन अराउंड 1 kg प्लस है, तो उसके लिए कर्ड हम लोग 100 ग्राम्स या 150 ग्राम लेंगे। तो पहले मैं कर्ड को का पैकेट निकाल के इसमें डालती हूँ। और फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें डालेंगे। मैं छोटे चम्मच से 2 चम्मच ली हूँ। फिर ब्लैक पेपर डाल देंगे इसमें और नींबू। नींबू को भी मैंने कट करके इसमें उसका रस डालूंगी, 1 नींबू पूरा डालूंगी। इसमें कुछ सीड चले गए हैं जो मैं निकाल लूंगी अभी। मैंने सीड्स निकाल ली अभी। और फिर इसमें 1 छोटा स्पून लाल मिर्च डालूंगी। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप जितना भी डाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने पिसी हुई हरी मिर्च भी डाली हूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा कम डालूंगी। और अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप बहुत डाल सकते हैं। फिर 1 स्पून छोटे स्पून से मैंने चाट पाउडर डाल रही हूँ। और फिर ये मस्टर्ड ऑयल इसमें डाल देंगे। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। थोड़ा टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉल्ट भी डाल दूंगी। फिर इसको मिक्स करूंगी। ये कसूरी मेथी है जिसको मैंने क्रश कर लिया है, उसको भी इसमें डाल देंगे। फिर एक एक चिकन का पीस इसमें डालकर इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मैरिनेट होने के लिए 3 से 4 घंटा छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा इसके अंदर डूबना चाहिए ऐसा। अभी इसको मैं ढक कर 1 घंटे के लिए 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ूंगी। अभी मैं जस्ट इसको ढककर 4 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। आफ्टर 4 आवर्स ये ऑलमोस्ट मैरिनेट हो गया है। तो अभी इसको इसका ये माइक्रोवेव का पैन है, इसको इसमें डालेंगे। एक ही रखेंगे अभी। और थोड़ा जो कर्ड मसाला है वो इस पे डालेंगे। अभी माइक्रोवेव में इसको डालेंगे और ग्रिल मोड में जाकर जस्ट टाइम सेट करेंगे। 15 मिनट्स टाइम सेट करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। अभी रेडी नहीं हुआ है, थोड़ा और टाइम लगेगा इसको कुक होने के लिए। ये थोड़ा और अभी कुक होगा।